Have a good day to all of you, dear students. पृथ्वी और हमारा जीवन, पाठ 8, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, विषुवत रेखीय प्रदेश, जिसका अध्ययन हम आज की वीडियो में करेंगे और ये जानेंगे कि जिस परिवेश में हम रहते हैं, यानी पृथ्वी, इसको विभिन्न ताप कटिबंधों में बांटा गया है, जिसे हम टेम्परेचर जोन्स कहते हैं। आइए अध्याय शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं आज के विचार पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जिसका कर्म शुद्ध है और जिसके साधन भी शुद्ध हैं, उसे मानना चाहिए कि सफलता अवश्य मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, कहने का तात्पर्य ये है कि जिस कार्य की शुरुआत सच्चे मन, सच्ची लगन और ईमानदारी के साथ किया जाए, तो उस कार्य में हमें सफलता अवश्य मिलती है, क्योंकि शुद्ध मन और शुद्ध हृदय से किए गए कार्य में भगवान भी हमारा साथ जरूर देते हैं। इसी शुद्ध और ऊर्जावान विचार के साथ शुरू करते हैं हम अपने पाठ का अध्ययन। डियर स्टूडेंट्स, आपने मिट्टी पर क्या क्या उगते देखा है? जरूर पेड़ पौधे, झाड़ियां, घास आदि उगते देखी होगी। और ये सब उत्पन्न होने की देन किसकी है? सही पहचाना, प्रकृति की। क्योंकि ये प्रकृति की देन है, इसलिए इस प्रकार की होने वाली घटनाएं प्राकृतिक घटनाएं कहलाती हैं। क्या आप प्राकृतिक प्रदेश और वहां के जनजीवन के विषय में जानते हैं? नहीं जानते? आज का अध्याय इसी से संबंधित है। आज के अध्याय में मैं आपको प्राकृतिक प्रदेश और वहां के जनजीवन के विषय में जानकारी दूंगी। वहां की जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु तथा मानव जीवन के विषय में जानकारी दूंगी, जिसका मुख्य बिंदु होगा विषुवतीय प्रदेश। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुके होना और घूमते घूमते सूर्य का चक्कर लगाना, यही कारण है ऋतु परिवर्तन और दिन और रात होने का। पृथ्वी अंडाकार है, अक्षीय झुकाव होने से उसके ध्रुव कक्षा के मार्ग में ठीक ऊपर या नीचे नहीं होते। एक ध्रुव कक्षा से जरा अंदर सूर्य के थोड़ा अधिक समीप होता है और दूसरा कक्षा से जरा बाहर सूरज से थोड़ा दूर। परिक्रमा करते हुए समय के अंतराल में अंदर वाला ध्रुव बाहर आ जाता है और दूसरा अंदर। यही मौसम बदलने का मुख्य कारण है। जब दक्षिणी ध्रुव अंदर को होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम चलता है और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का। 6 महीने बाद जब पृथ्वी अपनी कक्षा के दूसरी पार होती है तो पासा पलट जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियां होती हैं और उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां। आइए जान लेते हैं भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध, कर्क रेखा, मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध आखिर है क्या। पृथ्वी को अनेक आधारों पर अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जैसे जलवायु, आर्थिक विकास, धर्म आदि। औसत वार्षिक तापमान के आधार पर मोटे तौर पर पृथ्वी को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये क्षेत्र भूमध्य रेखा से दूरी के अनुसार बांटे जाते हैं। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में सूरज की किरणें कितनी लंबवत गिरती हैं, यह उस स्थान की भूमध्य रेखा से दूरी पर निर्भर करता है। पृथ्वी के ये 5 ताप कटिबंधीय निम्नलिखित हैं: उत्तरी शीत कटिबंधीय प्रदेश, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश तथा दक्षिणी शीत कटिबंधीय प्रदेश। आइए जानते हैं भूमध्य रेखा क्या है। भूमध्य मतलब भूमि के मध्य की रेखा। पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। जिस प्रकार हम एक कौरक की गेंद को बीच से बराबर हिस्सों में बांटते हैं, तो दो आधे आधे जो गोले निकलेंगे, ऊपर वाला गोला कहलाएगा उत्तरी
उत्तरी ध्रुव और नीचे का दक्षिणी ध्रुव। और जहाँ से हमने गेंद को बराबर हिस्सों में काटा है वो है हमारे ग्लोब पर खींची हुई एक काल्पनिक भूमध्य रेखा। इस रेखा पर वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं, इसलिए इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। इस रेखा के उत्तरी ओर 23.5 डिग्री अक्षांश में कर्क रेखा है व दक्षिणी ओर 23.5 डिग्री अक्षांश में मकर रेखा। जानते हैं उत्तरी गोलार्ध के विषय में। उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का वह भाग है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव की वजह से उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु 22 दिसंबर के आसपास से लगभग 23 मार्च तक चलता है और ग्रीष्म ऋतु 21 जून से लगभग 23 सितंबर तक चलता है। उत्तरी गोलार्ध का उत्तरी छोर पूरी तरह ठोस नहीं है, वहाँ समुद्र के बीच जगह जगह विशाल हिमखंड मिलते हैं। आइए जानते हैं दक्षिणी गोलार्ध के विषय में। किसी ग्रह का वह आधा भाग होता है जो उसकी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नीचे की ओर होता है। गोलार्ध का शाब्दिक अर्थ है आधा गोला। दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुव पर तो बर्फ से बना विशाल महाद्वीप ही मौजूद है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव की वजह से दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु 23 दिसंबर के आसपास से लगभग 21 मार्च तक चलता है और शीत ऋतु 21 जून से लगभग 23 सितंबर तक चलता है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर सूर्य की किरणें या तो नहीं पड़ती हैं या बहुत तिरछी पड़ती हैं। यही कारण है कि साल भर वहां पर बर्फ जमा रहती है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राकृतिक प्रदेशों के वर्गीकरण के विषय में अच्छे से समझा पाया है। चलिए अब शुरू करते हैं अपने पाठ का अध्ययन। हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ चारों ओर तरह तरह की वनस्पतियाँ, जीव जंतु, मिट्टी, जलवायु पाई जाती है। ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। हम जानते हैं कि अपने देश में पर्याप्त प्राकृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। ये विविधताएं हमें भू दृश्यों, प्राकृतिक वनस्पतियों, मौसमी दशाओं एवं भिन्न भिन्न प्रजाति के जीव जंतुओं आदि के रूप में दिखाई देती हैं। विभिन्न क्षेत्रों की ये प्राकृतिक विविधताएं वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान, वर्षा, मिट्टी आदि द्वारा प्रभावित होती हैं। वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि के दीर्घकालीन सम्मिलित रूप को जलवायु कहते हैं। इस प्रकार जब किसी विस्तृत क्षेत्र की जलवायु, मृदा, वनस्पतियों में औसत एक रूपता पाई जाती है तो उसे प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पर्यावरणीय भिन्नताएं बहुत कम होती हैं, जबकि दो अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में ये भिन्नताएं बहुत अधिक होती हैं। प्राकृतिक प्रदेशों को विभाजित करने का मुख्य आधार वहाँ की जलवायु है, क्योंकि जलवायु ही किसी प्राकृतिक प्रदेश की मृदा, वनस्पतियों, जीव जंतुओं एवं मानव जन जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। पृथ्वी को विभिन्न ताप कटिबंधों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही समझाया था। ये ताप कटिबंध जलवायु को प्रभावित करते हैं। इस कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु की इस विविधता के आधार पर विश्व को निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। उष्णकटिबंधीय प्रदेश पर सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती हैं। इन प्रदेशों में आने वाले कुछ प्रदेश हैं: विषुवत रेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेट जोन। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में सूर्य की किरणें थोड़ी सी तिरछी पड़ती हैं। इस जोन में आने वाले प्रदेश हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश, घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, पश्चिम यूरोप तुल्य प्रदेश, चीन तुल्य या सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। अगला वर्गीकरण है शीत कटिबंधीय प्रदेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रिजिड जोन। नाम से ही लग रहा होगा फ्रिज। जिस प्रकार आपके फ्रीजर में हमेशा बर्फ जमा रहती है,
इसी प्रकार ये प्रदेश भी साल भर बर्फ से जमे रहते हैं। इस जोन में आने वाले प्रदेश हैं टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी अध्याय को पूरा करने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। थैंक यू।